हरियाणा के रोहतक में बाबा मस्तनाथ की याद में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। मठ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई सांसद और विधायक गण मौजूद रहे। इस मौके पर अलवर सांसद और मठ के महंत बालकनाथ योगी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अश्विनी यादव ने। रोहतक के स्थल भोहर में आज सालाना मेले का आयोजन है। बाबा मस्तनाथ का मेले का आयोजन आज हो रहा है और कई राज्यों के लोग यहां पर पहुंचे हैं। अलवर के सांसद महंत बालकनाथ योगी यहां के गद्दी नसीब महाराज हैं, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हाँ सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो मठ है ये बहुत पुराना मठ है और अभी आप इस मठ को संभालते हैं, कई राज्यों के लोग सालाना एक बार ज़रूर दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि बाबा मस्तनाथ कौन थे। देखिए, बाबा मस्तनाथ जी सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के अवतार स्वरूप माने गए हैं। एक समय की बात है जब पेहवा के अंदर हमारा नाथ संप्रदाय का एक बहुत बड़ा भंडारा आयोजन किया गया था, उसमें बाबा मस्तनाथ जी ओगड़ थे, उनके कानों में कुंडल नहीं थे, तो एक वृक्ष के नीचे उन्होंने धुना लगा रखा था। तो जब हमारे नाथ संप्रदाय में जब भंडारे का आयोजन होने के बाद जब भोजन के पश्चात में दक्षिणा का वितरण होता है, उस समय पर साधु संतों ने कहा कि आप वहाँ पंगत में जहाँ सब साधु भोजन कर रहे हैं वहाँ पर भोजन कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना भोजन यहीं 5 कंबल अपनी दक्षिणा में और एक भेली गुड़ की मैं यहीं लूँगा। तो ऐसा साधु ने कहा कि नहीं, आपको वहीं चलकर करना पड़ेगा। तो उस समय गोरक्षनाथ जी के स्वरूप में बाबा मस्तनाथ जी ने अपने दर्शन पूरे नाथ संप्रदाय को कराए थे और तब से पूरा नाथ संप्रदाय उनको गोरख स्वरूप मानता है। और आज इस मठ के अंदर हमारे नाथ संप्रदाय के सभी 12 पंथों की यहाँ पर ध्वजा श्री सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी की समाधि स्थल पर आती है। ये भारतवर्ष में एक अलौकिक स्थान है कि यहाँ पर जहाँ पर 12 पंथों की हमारी ध्वजाएँ यहाँ पर बाबा की श्री समाधि पर आकर बाबा को नतमस्तक, उनको गोरख स्वरूप को प्रणाम आदेश करती है। और बहुत पौराणिक और बहुत चमत्कारिक स्थान है ये। इस पूरे क्षेत्र में बाबा मस्तनाथ जी ने अपने जीवन काल में बहुत यहाँ पर चमत्कार दिखलाए हैं। बीकानेर हो, जोधपुर हो, अनेकों क्षेत्रों में बाबा मस्तनाथ जी ने भ्रमण किया और उस समय के अंदर वहाँ के राजाओं ने बाबा मस्तनाथ जी को नतमस्तक होकर उनको प्रणाम भी किया और राजाओं को उनको बहुत बड़े उन्होंने उस समय पर चमत्कार भी दिखलाए, उनको आशीर्वाद भी दिया। और ये एक नाथ संप्रदाय का बहुत पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से एक नाथ संप्रदाय की परम्परा का निकास होता है और आप देख रहे होंगे कि लाखों की संख्या में यहाँ पर गुरु धारण कर कर शिष्य आगे निकले हैं और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने अपने स्थान बनाए, उनका सबका ये श्रीमत्था है यहाँ पर। ये नाथ संप्रदाय की नर्सरी है जहाँ से नाथ संप्रदाय के संत जो हैं वो, मैं कहूँगा नर्सरी तो देखो हर एक स्थान ही है, लेकिन यहाँ मूल है क्योंकि यहाँ से बहुत लंबे समय से अनेकों सिद्ध पुरुष निकले हैं यहाँ से गुरु धारण कर कर और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उन्होंने तब साधना से जनता जनार्दन का कल्याण किया है। और ये बाबा मस्तनाथ का मठ है और यहाँ ये सालाना मेले का आयोजन है। कई भाजपा के या केंद्र के और कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुँचते हैं, कई राज्यों की जनता यहाँ पहुँचती है और बाबा मस्तनाथ के दर्शन करती है, बाकी संतों के दर्शन करती है। बाबा बालकनाथ कहते हैं कि राजनीति ही लोकतंत्र में एक सेवा का मौका है और भारत में आगे बढ़ाने के लिए लोग जाति धर्म नहीं, भारत को अग्रणी बनाने वाले लोगों को चुनता है। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर।